हम बात करने जा रहे हैं डाल्टन स्लो। ये साइंटिस्ट जो है वो हमें ये बता रहा है कि किसी भी क्लोज कंटेनर जिसमें गैसेस मिक्सचर है, आप इंडिविजुअली किसी भी गैस का पार्शियल प्रेशर कैसे बताएंगे। पहले तो आप समझिए कि पार्शियल का मतलब क्या है। पार्शियल का मतलब होता है इंडिविजुअल, यानी किसी पर्टिकुलर गैस की वजह से कितना है, और एक होता है पी टोटल, यानी सारे मिक्सचर का कितना है। तो चलिए ये कैसे बताएगा पहले हम देखते हैं इसका स्टेटमेंट। द टोटल प्रेशर ऑफ क्लोज कंटेनर, यानी हमारे को ये बता रहा है कि कंटेनर के अंदर टोटल प्रेशर क्या है, इज द समेशन ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑल गैसेस गैसियस सब्सटेंस। तो ये जितने भी गैसियस सब्सटेंस है उन सभी का पार्शियल प्रेशर इंडिविजुअली समेशन करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, पी टोटल। इज दैट क्लियर। यानी इंडिविजुअली इसका 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 सबका ऐड कर लेंगे। भाई अगर हमसे किसी क्लास में पूछा कि टोटल मनी कितनी है, तो आप इंडिविजुअली सबकी मनी ऐड कर दो, आपको टोटल मनी मिलेगी ही नहीं मिलेगी। तो वो जो टोटल मनी मिलेगी वही आपके लिए क्या हो जाएगा, टोटल क्लास मनी। वैसे ही ये बता रहा है कि पी टोटल इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी। तो इसमें नई बात तो कुछ भी नहीं थी, हम भी बोल सकते थे। इसने सेकेंड स्टेटमेंट दिया वो हम समझते हैं। द वैल्यू ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी गैस इज प्रोडक्ट ऑफ टोटल प्रेशर ऑफ कंटेनर, यानी पी टोटल, एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन मिक्सचर। यानी गैस का मोल फ्रैक्शन उस कंटेनर में क्या है, उसको पी टोटल से मल्टीप्लाई करोगे तो इंडिविजुअली प्रेशर मिल जाएगा आपको ए का। तो ए का इंडिविजुअली प्रेशर निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, दो चीजें चाहिए, एक तो मोल फ्रैक्शन गैस का और पी टोटल। पी टोटल अगर मैं आपको देता हूं तो आप को थोड़ी और मेहनत करनी होगी और आपको मोल फ्रैक्शन निकालना होगा। और मोल फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे आप, गैस के मोल डिवाइडेड बाय टोटल गैस के मोल। अगर ऐसा करते हैं तो आपको मोल फ्रैक्शन मिल जाएगा, फिर आप इसको करेंगे। हम प्रैक्टिस करेंगे एग्जांपल की, उसके अंदर और अच्छे से समझेंगे। तो अगर हमें बी का प्रेशर निकालना है, सिर्फ बी का, ये जो मैं बोल रहा हूं ना सिर्फ बी का, इसको बोलेंगे इंडिविजुअल प्रेशर ऑफ बी, या फिर बोलेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। और ये क्या होगा आपके लिए, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी मल्टीप्लाई बाय पी टोटल। इज दैट क्लियर। तो ये मोल फ्रैक्शन ऑफ बी रहेगा। और मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं आप, मोल ऑफ बी डिवाइडेड बाय टोटल मोल। मोल ऑफ मोल फ्रैक्शन ए कैसे निकालते हैं, या किसी का भी मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए उसके खुद के मोल डिवाइडेड बाय टोटल मोल करना पड़ता है। तो चलिए अब आगे। तो इसने दो इंपॉर्टेंट दो पॉइंट में ये अपनी थ्योरी दी, लेकिन कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो हमने निकाल लिए और हम उन्हें उन्हें की पॉइंट के नाम से जानते हैं। जैसे इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर गैस, नॉट एप्लीकेबल फॉर लिक्विड एंड सॉलिड। मैं फिर बोल रहा हूं, गैस के लिए लगेगा, लिक्विड और सॉलिड प्रेशर नहीं लगाते हैं। इज दैट क्लियर। नेक्स्ट, गैसेस मिक्सचर इंडिविजुअली स्टेबल, इट मींस नॉट डिकम्पोज और रिएक्ट टू ईच अदर। भाई अगर कभी ऐसी सरकम चांसेस हो जाए कि जो भी गैस है वो किसी और गैस में टूट जाए, जैसे PCl5 हाई टेम्परेचर पे PCl3+Cl2 में टूट गई तो गलत है, या अमोनिया N2 और H2 में ब्रेक हो रहा है तो गलत है। तो डिकम्पोज नहीं होना चाहिए, या उल्टा रिएक्शन भी नहीं होना चाहिए कि N2 और H2 आपस में रिएक्ट हो गए, तो हम उस कंडीशन में ये डाल्टन लो भी नहीं लगा पाएंगे। तो जब भी हमें डाल्टन लो का क्वेश्चन आ रहा है तो इसका मतलब गिवन कंडीशन पे वो आपस में रिएक्शन या डिकम्पोजिशन नहीं हो रहे हैं, ये हमें एजम्पशन लेना पड़ेगा। एजम्पशन लेंगे तो एरर भी आएगी। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि पार्शियल डाल्टन लो किस मिक्सचर के लिए अच्छा लगेगा, तो वहां लगेगा जहां गैसेस आपस में रिएक्शन करती नहीं है इंडिविजुअली, जैसे हीलियम नियोन, हीलियम आर्गन, आर्गन हाइड्रोजन, रिएक्शन ही नहीं होगी, बढ़िया है। या लो टेम्परेचर पे N2H2 भी ले सकते हो, तो तब 100% लगेगा हमारा डाल्टन लॉ। लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा और गैसेस ऐसी हैं जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सकती हैं, वैसे वैसे आपके प्रैक्टिकल और थियोरिटिकल डाटास में क्या होगा, एरर आना शुरू हो जाएगा। तो अगर आप एरर से बचना चाहते हैं तो इस पॉइंट का ध्यान रखें। नेक्स्ट, इन केस ऑफ वेपराइज लिक्विड प्रेजेंट, जैसे वेपराइज लिक्विड जिसकी वेपर बन जाती है रूम टेम्परेचर पे, एल्कोहल वाटर, समझ में आ रहा है ये क्या है, वोलेटाइल लिक्विड है, समझ में आ रहा है, इनकी वेपर बनने लग जाती है। इज दैट क्लियर। तो अगर आपने एल्कोहल या वाटर ले लिया तो फिर वो लिक्विड और वेपर वाले अलग ही कंडीशन के हो गए, उनको मैं बोलता हूँ वेपराइज लिक्विड। जो लिक्विड मैंने ऊपर लिखा था वो नॉन वेपराइज थे, जैसे ग्लिसरीन, डाम्बर, ग्लूकोज, इनकी वेपर नहीं बनती है रूम टेम्परेचर पे,
इज दैट क्लियर? या लो टेम्परेचर पे नहीं बनती, लेकिन वाटर की तो बनती है रूम टेम्परेचर पे। आ रही है बात समझ में? तो आप कैसे लगाएंगे? या तो डाल्टन लॉ लगेगा ही नहीं, लगेगा तो फिर आपको थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा, डाल्टन में मेरा नाम सुनील लखोटिया यानी ऐड करना पड़ेगा रूल को। तो मैं कैसे लगाऊंगा? पी ए एक्स ए, पी टोटल की जगह मैं लूंगा पी टोटल माइनस वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, यानी जो लिक्विड का वेपर प्रेशर बन रहा है वो। अगर लिक्विड वाटर है तो वेपर प्रेशर ऑफ वाटर ले लेंगे, जिसे हम क्या बोलते हैं, एक्वस टेंशन। तो हम टोटल प्रेशर में से एक्वस टेंशन माइनस करेंगे। आ रही है बात समझ में? और इस तरह से हम मोल फ्रैक्शन के साथ ये चीज मल्टीप्लाई करेंगे। कोई डाउट इसमें? तो अब एक और पॉइंट कि ठीक है, हमें पी टोटल दिया, हमने एक्वस टेंशन माइनस कर दिया या वेपर प्रेशर माइनस कर दिया, लेकिन मोल फ्रैक्शन में क्या करेंगे हम, कैसे निकालेंगे? मोल फ्रैक्शन हम निकालते वक्त मोल ऑफ गैस डिवाइडेड बाय सिर्फ गैसियस सब्सटेंस, वेपर को यहां इन्वॉल्व नहीं करेंगे, ध्यान रखना। इसीलिए मैंने स्पेशली गैसियस लिखा है, जितनी भी गैसेस है उनको लेना है, लिक्विड नहीं काउंट करना है, सॉलिड नहीं काउंट करना है, और वो जो वेपर बनी है उसके मोल भी काउंट नहीं करना है, क्योंकि हमने वो प्रेशर यहां माइनस भी कर दिया इनडायरेक्टली। तो ये एक जुगाड़ मेथड है जिससे आपका काम चल जाएगा, ठीक है? या फिर आप डायरेक्ट बोल दो नहीं लगा पाएंगे। आ रही है बात समझ में? तो ये है डाल्टन्स रूल। अब डाल्टन्स रूल से रिलेटेड कुछ एग्जांपल पे हम प्रैक्टिस करते हैं, फिलहाल इसको लिखो आप। देखिए मैंने बहुत ही अच्छे दो एग्जाम्पल लिए डाल्टन्स रूल के। एग्जाम्पल फर्स्ट क्या बोलता है, इन ए 5 लीटर क्लोज कंटेनर हैव 100 ग्राम N2 100 ग्राम O2 इफ टोटल प्रेशर ऑफ कंटेनर इज 10 atm, then find partial pressure of each gas. बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा कैसे करना है। आपके पास एक क्लोज कंटेनर है, आप डायग्राम बनाए, ये क्लोज कंटेनर है जिसका वॉल्यूम 5 लीटर है। आपको यहां पर वॉल्यूम से कोई लेना देना नहीं रहेगा, क्योंकि डाल्टन ने वॉल्यूम को कभी कंसिडर नहीं किया है, और ये डाल्टन का क्वेश्चन बन रहा है। और अब आपके पास यानी 5 लीटर बोलने के पीछे उसका कोई मीनिंग नहीं है इस जगह। अगला पॉइंट क्या है, क्लोज कंटेनर हैव 100 ग्राम N2, यानी N2 आपके पास 100 ग्राम है ऑफ N2, और O2 कितना है आपके पास, 100 ग्राम ही O2 है। अब आपको क्या निकालना है, टोटल प्रेशर दिया हुआ है आपको P टोटल की वैल्यू आपको दी गई है 10 atm। आपके पास डाल्टन लॉ के अलावा और कोई चारा नहीं है, और डाल्टन लॉ कैसे निकालेंगे, P N2 निकालने के लिए मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 मल्टीप्लाई बाय, ये मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई बाय पी टोटल। तो N2 का मोल फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे, मोल ऑफ N2, मोल कैसे निकालेंगे, वेट डिवाइडेड बाय मोलर मास, N2 का मोलर मास 28 होता है। फिर मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 के बाद मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 कैसे निकालेंगे, वो भी 100 डिवाइडेड बाय पहले N2 ऐड करेंगे और 100 O2, यानी N2 के मोल डिवाइडेड बाय N2 प्लस O2, टोटल मोल आ गए, मल्टीप्लाई बाय पार्शियल प्रेशर, पी टोटल कितना दे रखा है 10 atm। ये कैलकुलेशंस लंबी जरूर है, लेकिन आप कर सकते हैं। तो ये पार्शियल प्रेशर किसका आया आपके पास, N2 का। अब पार्शियल प्रेशर O2 का आप दो तरह से निकाल सकते हैं, टोटल प्रेशर दे रखा है 10 माइनस पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 भी कर सकते हैं, या फिर दूसरा तरीका यह है PO2 निकालने के लिए O2 के मोल ऊपर रखेंगे बस, और नीचे टोटल मोल, यानी मोल फ्रैक्शन O2 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 100। आपको O2 का मोलर मास मालूम है 32, N2 का मालूम है 28। तो ये आपके पास पूरा हो गया क्वेश्चन नंबर 1। एनी डाउट? ये इजी था, अब थोड़ा सा अलग अच्छा क्वेश्चन हम कर रहे हैं, देखते हैं क्या है। क्वेश्चन ये है हमारे पास, ए 10 लीटर कंटेनर हैव 100 ग्राम O2, 100 ग्राम N2, 100 ग्राम H2O, 100 ग्राम Hg, इफ टोटल प्रेशर ऑफ कंटेनर इज 780 टोर एट 300 केल्विन टेम्परेचर, देन फाइंड पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट, एक्वस टेंशन एट 300 केल्विन इज 20 टोर। यानी यहाँ आपको एक्वस टेंशन दिया है, इसका कहीं ना कहीं यूज होगा, तो अब यहाँ पर आपका जुगाड़ मेथड लगेगा जो मैंने आपको पहले ही बता रखा है। कैसे, सबसे पहले आपको किसका प्रेशर निकालना है जल्दी बताएं आप, पी ओ टू का निकालना है सपोज। तो मैंने आपको पहले ही बताया था ओ टू का मोल फ्रैक्शन सिर्फ गैस लेनी है, गैसियस मिक्सचर में, मल्टीप्लाई बाय पी टोटल में से आपको क्या करना है, एक्वस टेंशन माइनस करना है,
यानी H2O को पूरा हटा देना है, समझ में आ रहा है? तो एक्वस टेंशन यानी ये हमारे पास एक्वस टेंशन रहेगा, ये वॉलेटाइल लिक्विड है, और जो मरकरी है वो कौन सा लिक्विड है? नॉन वॉलेटाइल लिक्विड, इसकी वेपर ही नहीं बनती, तो इसका होना या नहीं होने से कोई फर्क नहीं होता, कंटेन मतलब क्वेश्चन में इसको ऐसे हटा दो जैसे था ही नहीं, समझ में आ रहा है? तो इसका कोई यूज नहीं रहेगा आपको क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 कैसे निकालेंगे, 100 ग्राम थे, 100 डिवाइडेड बाय 32, 100 डिवाइडेड बाय 32 प्लस 100 डिवाइडेड बाय 28, क्योंकि N2 गैस भी है इसमें और H2O को लेना ही नहीं है हमें यहां पर, क्योंकि वो सिर्फ गैसेस मिक्सचर में देखना है हमें। अब उसका क्या रोल रहेगा, उसका सिर्फ इतना रोल रहेगा कि आपको जो टोटल प्रेशर दे रखा है 780, उसका एक्वस टेंशन जो बन रहा है 20 टोर वो माइनस करना है, और ये आंसर आपका टोर में आएगा इस तरह से। तो मरकरी इसलिए काटा है क्योंकि वो नॉन वॉलेटाइल है, वो सॉलिड या लिक्विड जितने भी होते हैं उनको हम इस तरह से हटाते हैं जैसे क्वेश्चन में होना या नहीं होना कोई दिक्कत नहीं है, इज दैट क्लियर? तो उसकी वेपर भी नहीं बनती है और वो गैस भी नहीं बनाता। नेक्स्ट, अगर हमें यहाँ पर PN2 निकालना होता तो हम कैसे करते, 100 डिवाइडेड बाय 28, 100 डिवाइडेड बाय 28 प्लस 100 डिवाइडेड बाय 32, सिर्फ उन्हीं के मोल नीचे लेते जो गैसेस है, जो लिक्विड है या सॉलिड है उनको कंसिडर नहीं करेंगे, मैं बार बार बोल रहा हूँ, मल्टीप्लाई बाय 780 माइनस 20, सिर्फ आपको कौन सा टोटल प्रेशर लेना है जो गैसेस की वजह से प्रेशर जनरेट हो रहा है, और मोल फ्रैक्शन भी उसी का लेना है जो गैसेस की वजह से मोल आ रहे हैं, हर चीज गैसेस पे ले जाना। बस ये ध्यान रखना है कि एक्वस टेंशन को हमें यहाँ पी टोटल में से माइनस करेंगे तो गैसेस का प्रेशर टोटल प्रेशर आ जाएगा, तो ये हमारे पास आएगा क्योंकि ये सब चीज टोर में चल रही है, तो ये आंसर टोर में ही आएगा। मोल फ्रैक्शन इज यूनिटलेस क्वांटिटी, तो आप इस बात का ध्यान रखें, लिखें इसको, बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है बच्चों, इस एग्जाम्पल को देखो बहुत अच्छा है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी का अच्छा एग्जाम्पल। क्वेश्चन पढ़ता हूँ, पहले क्वेश्चन समझेंगे। हाउ मच केजी ऑफ वाटर वेपर इज कंटेंड इन ए क्यूबिक रूम 4 मीटर लॉन्ग अलोंग एन एच इफ द रिलेटिव ह्यूमिडिटी 50% अलोंग 50% टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड, द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड इज 26.7 टॉर। इसको बोलेंगे एक्वस टेंशन, क्या बोलते हैं, एक्वस टेंशन। अब हमें क्या निकालना है, हमें ये जो वाटर वेपर है वो निकालनी है, तो पहले इसका एक इमेज बनाइए आप अपने दिमाग में कि ये आपके पास एक कमरा है, क्यूबिक रूम है, समझ में आ रहा है, ये 4 मीटर लंबा चौड़ा ऊंचा है, तो और उसके अंदर ये पानी भी है, थोड़ा सा पानी है, इतना कम पानी है कि उस कमरे के वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में ये वाटर का वॉल्यूम क्या हो रहा है, बिल्कुल नेग्लिजिबल है, यानी ये हमारे पास जो आ रहा है H2O लिक्विड है, लेकिन ये नेग्लिजिबल वॉल्यूम में है, ऐसा मुझे मानना पड़ेगा एजम्पशंस इस क्वेश्चन को करने में। ये H2O के साथ कुछ वाटर वेपर बन रही है जो आपको येलो कलर में दिख रही है, बाकी दूसरी गैसेस हैं, अदर गैसेस को सबको मैंने आइडियल गैस ले लिया, तो ये आपके पास आइडियल गैस सारी होगी। तो आइडियल गैस का काम कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में, आप पहले क्वेश्चन को समझें। आप किसी भी तरह से अगर वाटर का वेपर का प्रेशर निकाल लेंगे तो आप PV=nRT यूज करके ये क्वेश्चन को कर सकते हैं, इज दैट क्लियर? तो ये क्वेश्चन किस तरह से होगा देखते हैं। सबसे पहले आपको यहां पर क्या दिया हुआ है, जैसे वाटर वेपर आप निकाल लीजिए, एक तो वॉल्यूम दिया हुआ है, तो बताइए वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर कितना है, 4 क्यूब मीटर क्यूब, तो ये हो जाएगा मीटर क्यूब, और आप बता सकते हैं 64 मीटर क्यूब में कितने लीटर होते हैं, 1000, तो 64 × 10³ लीटर, इतना वॉल्यूम है कंटेनर का, ये पानी का वॉल्यूम नहीं है, यानी वाटर का वॉल्यूम नहीं है, कंटेनर का वॉल्यूम है, और इतने वॉल्यूम में अगर सपोज 1 लीटर पानी भी रहा, होना जरूरी है जिससे इक्विलिब्रियम बने,
तो वो बहुत नेक्लिजिबल है, समझ में आ रहा, क्योंकि आपके पास जब भी वाटर वेपर है उसके साथ इक्विलिब्रियम बना हुआ देखना जरूरी होता है इस जगह, बताने के लिए, समझाने के लिए कि वाटर के साथ क्या कंडीशन है, उसको हम वेपर बोलते हैं, वो हमेशा लिक्विड के साथ इक्विलिब्रियम में रहती है, इज दैट क्लियर। वो लिक्विड का अमाउंट कभी बहुत कम हो जाता है, बिल्कुल, हर एक टेम्परेचर पे कुछ अमाउंट लिक्विड का, कुछ अमाउंट वेपर का होगा, ठीक है, और इसलिए हम ये मानते हैं कि ये इक्विलिब्रियम में रहता है। आ रही है बात समझ में? आप बहुत बार देख सकते हैं कि आपने अगर ठंडा पानी का ग्लास भी रख दिया तो मॉइस्चर उसके चारों ओर जम जाता है, जबकि वो मॉइस्चर जो जम रहा है वो बाहर से आया है, एयर से, अंदर से बाहर नहीं आया ग्लास में से, तो इसका मतलब इक्विलिब्रियम रहता है हर टेम्परेचर पे, इतने कम टेम्परेचर पे है तो यहाँ पर तो रहेगा ही रहेगा। अब दूसरी बात जो मैं बताने वाला हूँ, ये एक्वस टेंशन है क्या, ये बताता है मैक्सिमम पॉसिबल वेपर प्रेशर, जैसा हम पहले भी जान चुके। तो वेपर प्रेशर कैसे निकालेंगे, वेपर प्रेशर यानी प्रेशर ऑफ H2O कैसे निकालेंगे, एक्वस टेंशन तो मैक्सिमम पॉसिबल प्रेशर है, उसका कितना परसेंट आपके पास आ रहा है वो देखिएगा, 50% आ रहा है तो 50/100 कर दीजिए, 60 आ रहा है तो 60/100, ये कहलाता है रिलेटिव ह्यूमिडिटी। यानी आप इसको फॉर्मेट में लिखना चाहते हो तो प्रेशर ऑफ वाटर वेपर इज इक्वल टू एक्वस टेंशन मल्टीप्लाई बाय रिलेटिव ह्यूमिडिटी डिवाइडेड बाय 100, समझ में आ रहा है? तो इससे ज्यादा कभी वेपर प्रेशर नहीं हो सकता, इससे कम तो हो सकता है, इस जगह दिया है रिलेटिव ह्यूमिडिटी 50%, यानी आपके पास 50% आ चुका है, जो मैक्सिमम है उसका 50% आ चुका है, और 50 मैक्सिमम कितना दिया गया है जल्दी से देखें क्वेश्चन में, आपको कहां मेंशन है, 26.7, तो यहां आपके पास ये आ जाएगा 13.35 torr, ये वेपर प्रेशर आ गया। अब आपको वेपर प्रेशर आ चुका है तो आप आगे कैसे करें हमें मास निकालने के लिए, बाय आइडियल गैस इक्वेशंस, आइडियल गैस इक्वेशंस हम कैसे निकालेंगे, आइडियल गैस इक्वेशन पीवी इक्वल टू एनआरटी लिखकर, अगर एन H2O के वेपर लिखेंगे तो यहां पर प्रेशर भी H2O का ही लेना पड़ेगा, वॉल्यूम हमेशा कंटेनर का आता है, टेम्परेचर कंटेनर का आता है, तो बताइए H2O का प्रेशर कितना है, 13.35 torr, टॉर को एटीएम में चेंज करो, ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आर की वैल्यू हमें एटीएम वाली याद है। वॉल्यूम कैसे निकालेंगे आप, वॉल्यूम आपके पास आ जाएगा जो आपने निकाला है 64,000 मोल निकालना है, नहीं हमें मोल नहीं निकालना, वाटर का मास निकालना है और वो भी केजी में, तो सुनो बाद में निकाल लेंगे अपन केजी में, समझ में आ रहा है, मान लीजिए केजी में तो अपन को उसको यहां पर किसमें कन्वर्ट करना पड़ता है, ग्राम में, तो ये केजी में हो जाएगा, ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ता है मोल के निकालने के लिए, तो मास इन यानी वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास होता है, ये हो गया मोल, इज दैट क्लियर। अब आपका आंसर डब्ल्यू केजी में सीधा ही निकलेगा और आर की वैल्यू 8.314 और टेम्परेचर आपको दिया गया होगा कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन में और वो दिया गया है आप देखिए 300 केल्विन, यस और नो, तो ये 300 आप ले सकते हैं, तो आर की वैल्यू आपको यहां पर गलत ले ली हमने क्योंकि ये एमकेएस वाली ले ली, हमें यहां पर क्या लेना है 0.0821 लेना है, ठीक है, तो इस यूनिट्स का आप बहुत ध्यान रखेंगे 0.0821 मल्टीप्लाई बाय 300 और इसकी यूनिट आती है एटीएम लीटर पर मोल पर केल्विन, तो एटीएम लीटर क्रॉस हो गया, बाकी मोल और केजी आपके पास आ ही जाएगा केजी में आंसर, इज दैट क्लियर। तो आपका आंसर यहां पर डब्ल्यू H2O अब आपको कैलकुलेशन करनी है वो भी केजी में आ जाएगा, जो आप कैलकुलेट करेंगे वही आपका आंसर होगा, लिखिए